हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? तो बच्चों, आज हम लोग माइनर सिक्स का पेपर वन डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखो, इसमें क्या लिखा है बच्चों। 4 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 46 डिग्री सेल्सियस इन अ कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल मास। अज्यूमिंग नो हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग्स, फाइंड द मास ऑफ वाटर इन कंटेनर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। लेटेंट हीट गिवन है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है। देखो बच्चों, ध्यान देना, हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हीट लॉस्ट है और हीट गेन दोनों इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम में हमें वाटर का अमाउंट फाइंड करना है। अगर हम लोग 20 ग्राम वाटर की बात करें तो 20 ग्राम वाटर के लिए टोटल हीट कितना चाहिए होगा अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते। 20 × 1 × 100 − 46, इतना हीट चाहिए होगा 20 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा, 54 × 2 1080 कैलोरी। इतनी कैलोरी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। जबकि 4 ग्राम आइस है, और 4 ग्राम आइस के लिए अगर वो पूरा का पूरा कंडेंस होता है तो 4 × 5 = 40, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, इससे ज़्यादा आ रहा है। देखो तो इसका डबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हाफ स्टीम ही कंडेंस होगा, यानी 2 ग्राम स्टीम कंडेंस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 1080 को अगर आप m × 540 लिखोगे तो m की वैल्यू आएगी 2 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से 20 ग्राम वाटर था जो 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, 2 ग्राम स्टीम है जो कंडेंस हो गया, तो टोटल मास ऑफ वाटर जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा वो कितना, 22 ग्राम। 20 + 2 यानी कि 22 ग्राम हो जाएगा, और इसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों? अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एक्सपेंड्स बाय 0.05 सेंटीमीटर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहा है, टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, 0.05। फिर लिखा अनदर रॉड बी ऑफ डिफरेंट मेटल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एक्सपेंड्स बाय 0.04 सेंटीमीटर फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। यानी फिर से 100 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा रहे हैं, तो दोनों के लिए अल्फा हमें मिल जाएगा। अब क्या थर्ड रॉड सी ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ रॉड ए एंड बी प्लेस्ड एंड टू एंड, एंड टू एंड कहने का मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, एक्सपेंड्स बाई 0.03 सेंटीमीटर ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द लेंथ ऑफ मेटल ए इन कंपोजिट रॉड। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ए के लिए एल्फा फाइंड कर लेते हैं। देखो चेंज इन लेंथ कितना है, 0.05, चेंज इन टेम्परेचर है 100, ठीक है ना? और एक्चुअल लेंथ कितना था बच्चों, 25। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में कट जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है? ये 100 हो जाएगा 10^4, 20, यानी कि 2 × 10⁻¹ और 4 − 5, यह जाएगा अल्फा, ठीक है ना? इसी तरीके से हम लोग बी के लिए अल्फा फाइंड कर लेंगे। 40 सेंटीमीटर दिया है और चेंज इन लेंथ 0.04, ठीक है? तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 100 × 10⁻¹ और ये 10। देखो तो कितना आ रहा है, −2। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे, −2 − 4 और ये −5, ऐसा आ जाएगा, ठीक है? तो दोनों का अल्फा मिल गया। अब लिखा है कि पहले 50 है, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एल ए प्लस
एल बी ये 50 सेंटीमीटर, बाद में टेम्परेचर को बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो अब नया टेम्परेचर हो जाएगा एल ए इंटू वन प्लस अल्फा ए इंटू 50 प्लस एल बी इंटू वन प्लस अल्फा बी इंटू 50 इज इक्वल्स टू 50.03, ये भी सेंटीमीटर में ही है बच्चों, ठीक है ना। अब इस एल बी को, क्योंकि टोटल लेंथ 50 है, ठीक है, एल बी को आप क्या लिख सकते हो, एल 50 माइनस एल ए लिख सकते हो क्या, पहले सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं एल ए, इसको इक्वेशन 2 मान लो, 2 में से 1 को माइनस कर दो, एल ए अल्फा ए इंटू 50 प्लस एल बी अल्फा बी इंटू 50 इज इक्वल्स टू 0.03। अब आप एल ए को, एल बी को 50 माइनस एल ए लिख देना, सेंटीमीटर में ही है, यूनिट चेंज नहीं किया है, अब देखो अल्फा गिवन है दोनों का, हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, अब एक ही तो अननोन रह गया एल ए, सॉल्व करने के बाद ये आता है 10 सेंटीमीटर, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन में आएंगे, चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड वी, इफ द एक्साइटिंग वेवलेंथ इज चेंज्ड टू 3λ/4 स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बिकम, ठीक है, अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, बाद में वी डैश स्क्वेयर एच सी बाई, अब यहां पे लिखा है 3λ/4 माइनस 5, तो हाफ एम वी डैश स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे 4hc/3λ लिख सकते हो ना, यहाँ पर 5 है तो 5 को माइनस 4/3 5 प्लस 5/3 लिख सकते हैं क्या। अब देखो बच्चों अगर ऐसा टर्म होता है, इसको अगर हम लोग पूरी तरीके से ये जो टर्म है ना यहाँ मैं लिख दूँ हाफ एम वी डैश स्क्वेयर, इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 4/3 अगर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में एच सी बाई लेमडा माइनस 5 है जिसकी वैल्यू आप हाफ एम वी स्क्वेयर लिख सकते हो। अगर ये 5 वाला टर्म नहीं होता तो आप कह सकते थे कि वी डैश रूट 4/3 वी के इक्वल होगा, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो रूट 4/3 वी से ज़्यादा हो जाएगा वी डैश, रूट 4/3 वी से ज़्यादा होगा, तो ऐसा किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ में लिखा है हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड है, 1 ग्राम आइस है
पहले इसको मेल्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हमें चाहिए होगा, जिसकी वैल्यू 80 होती है। तो 1 × 80, अब ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। ठीक है, मास तो 1 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, ठीक है ना, हम लोग सीजीएस यूनिट में कैलोरी में लिख रहे हैं, तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये हो गया। और ये चेंज इन टेम्परेचर है, फिर इसको स्टीम में भी कन्वर्ट करना है क्या, इनटू स्टीम, तो स्टीम के लिए 540। अब ये सब ऐड करके कितना आता है, 720 कैलोरी, यानी इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ बच्चों, क्या लिखा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी बाय 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, ACB, ADB एंड AEB as shown in the PV diagram, heat absorbed by the gas is। अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। यहां पर प्रेशर, यहां पर वॉल्यूम, AB, CDE ऐसा दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, ग्रेटर इन प्रोसेस टू, इसमें 1, 2 और 3 कौन सा है, एक बार देख लें क्वेश्चन में। 1 है ACB, 2 है ADB और 3 है AEB। देखो बच्चों ध्यान देना, इस केस में वर्क डन 0 होगा ए से डी में, ए डी बी में, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पर देखो तो ये कैसा घूम रहा है, आप अगर इस जगह बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन ज़्यादा है, यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होगा, यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव होगा और यहाँ पर वर्क डन 0 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है वर्क डन इज ग्रेटर इन प्रोसेस टू देन इन 1, प्रोसेस टू में 1 से ज्यादा, प्रोसेस टू में 0 है, गलत है। सेकंड में लिखा है लेस इन प्रोसेस टू, लीस्ट इन प्रोसेस टू, प्रोसेस टू से भी कम वर्क डन किस में हो रहा है, 3 में, क्योंकि नेगेटिव है। थर्ड में लिखा है 1 और 3 का सेम, 1 और 3 का सेम नहीं है, एक में पॉजिटिव वर्क डन, एक में नेगेटिव वर्क डन है। फोर्थ में लिखा है लेस इन 3 देन इन 2, 3 में 2 से ज़्यादा कम वर्क डन हो रहा है, सही है, ये तो 0 था, ये नेगेटिव है, यानी कि फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, देखो 6 में क्या लिखा है, एन आइडियल गैस विथ एन एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा इक्वल्स टू 1.5 अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच वर्क डन बाय द गैस इज सेम एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जितना इंटरनल एनर्जी है उतना ही वर्क डन हो गया, यानी दोनों इक्वल हो गए। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस, अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें, तो W प्लस डेल्टा U, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा Q के बराबर, दोनों इक्वल है, तो 2 डेल्टा U को डेल्टा Q लिख देते हैं, 2 × nCV∆T इज इक्वल्स टू nC∆T। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो मोलर हीट कैपेसिटी यानी सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, एन और डेल्टा टी को कैंसिल कर दो, सी की वैल्यू हो जाएगी 2 CV, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक कुछ दिया, अच्छा गामा की वैल्यू गिवन है, गामा की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग सी वी को क्या लिखते हैं, R/γ-1, गामा की वैल्यू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 यानी 4 R। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसका, फर्स्ट, तो 6 के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखो बच्चों 7th में क्या लिखा है, फिगर बिलो शोज टू पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय अ गैस टू गो फ्रॉम ए टू स्टेट सी।
इन प्रोसेस ए बी, एक फिगर है, पहले फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इस तरीके से। ये पास्कल में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। ये 2 × 10⁻³, ये 4 × 10⁻³, 2 × 10⁴, 6 × 10⁴, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। एक प्रोसेस है ये ए टू सी, दूसरा प्रोसेस डायरेक्ट ए टू सी, एक में ए बी सी है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इन प्रोसेस ए बी 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। यहाँ से यहाँ तक में 400 जूल हीट सिस्टम को दे रहे हैं और बी से सी में 100 जूल हीट एनर्जी दे रहे हैं। हमें क्या बताना है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस ए टू सी। अगर हम लोग ए बी सी ऐसे मान लेते बच्चों इस तरीके का, तब ये साइक्लिक प्रोसेस हो जाता क्या? और साइक्लिक प्रोसेस में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू नेट वर्क डन प्लस डेल्टा यू, ये टर्म जीरो हो जाएगा। डेल्टा क्यू के लिए देखो, ए से बी में 400 है, 400, फिर बी से सी में 100 जूल दिया गया और सी से ए, उल्टा मान के चल रहे हैं अभी, सी से ए का हीट नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, इसका एरिया, ठीक है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ऐसे अगर आप क्लॉकवाइज मान रहे हो तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। अभी हमने देखो क्लॉकवाइज मान लिया है ए बी सी, एक साइक्लिक प्रोसेस अलग से सॉल्व करने के लिए अलग से मान लिया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर लिखेंगे, 4 × 10⁴, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³, तो ये हो गया 500 प्लस क्यू सी ए, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 40, क्यू सी ए कितना आ जाएगा, −460। हमें क्या चाहिए, ए टू सी चाहिए ना बच्चों, तो +460 हो जाएगा क्या, ए से सी में +460, तो आंसर कौन सा होगा, 7th का 2nd। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं एक फैन है, ठीक है ना, समझ जाओगे इतने से। चलो यहाँ गैस है, बाहर से प्रेशर पी लग रहा है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बार समझ लो। 8th क्वेश्चन में लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, गामा की वैल्यू 1.4 यानी डायटोमिक गैस है, एट 500 केल्विन इज फिल्ड इन एन एडियाबेटिक सिलेंडर, द पिस्टन इज फ्री टू मूव अगेंस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर, अ नॉन कंडक्टिंग फैन इज इंसर्टेड इन टू द गैस स्पेस एंड रोटेटेड वाइग्रसली। यहाँ पर एक फैन है, ये नॉन कंडक्टिंग फैन है और इसको रोटेट करें यानी मैकेनिकल वर्क होगा,
so that the gas expands slowly till its volume is doubled. Final volume क्या हो जाएगा? Double. Find the work done by the fan. हमें work done by fan बताना है और R की value लेनी है 8. 8 जूल पर मोल केल्विन. ठीक है. फिर लिखा है नेगेटिव हीट कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर पिस्टन एंड फैन. क्योंकि ये इंसुलेटर है और एडियाबेटिक वॉल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? डेल्टा क्यू जीरो होगा. डेल्टा क्यू में यहाँ नेट वर्क डन आता है प्लस डेल्टा यू की बात करते हैं. डेल्टा क्यू तो जीरो होगा. वर्क डन की बात करें देखो, एक तो फैन का वर्क डन होगा, दूसरा गैस का वर्क डन होगा क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रहा है. तो गैस का वर्क डन कितना हो जाएगा? पी डेल्टा वी पॉजिटिव. फिर देखो बच्चों, फैन जो है ना, फैन का वर्क डन ऑन द सिस्टम जब कभी होता है तो नेगेटिव लेते हैं हम लोग फिजिक्स में. वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है. ठीक है. तो यहाँ फैन सिस्टम पे वर्क करेगा, उसका वर्क डन नेगेटिव होगा. माइनस वर्क डन बाय फैन प्लस डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी. ठीक है. अब वर्क डन बाय फैन चाहिए ना. पी डेल्टा वी को हम लोग एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं. यहाँ सी वी डायटोमिक है क्या, तो 5/2R लिख सकते हैं क्या? सी वी, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा. अब आप जरा कैलकुलेट करो, n की वैल्यू 1 हो गई है, r इंटू 1 प्लस 5/2 इंटू डेल्टा t, r की वैल्यू 8, 7/2 और ये 500. ये तो आ गया 14,000 जूल, यानी 14 किलो जूल. कोई आंसर है? 14,000 जूल. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 8 था. अब क्वेश्चन नंबर 9. देखो बच्चों, 9th में क्या लिखा है? द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी टू द पावर एन इज सी इज इक्वल्स टू. पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट है, इसमें सी की वैल्यू गिवन है सी वी प्लस आर बाई 10. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए? पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट चाहिए. जनरली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? पी वी टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. तो उसके लिए सी की वैल्यू हो जाएगी सी वी प्लस आर बाय 1 माइनस एन. ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं ना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी वी माइनस आर बाय एन माइनस 1. एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है ना, दोनों एक ही मतलब है. इसको सी वी प्लस आर बाय 10 लिख देना. सी वी से सी वी कट गया, आर से आर कट जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी -9. -9 यानी 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. सिंपल था ना. अब क्वेश्चन नंबर 10. देखो 10th में क्या लिखा है, एक फिगर दिया, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ए बी और सी तीन इनपुट दिए हुए हैं. देखो क्या लिखा है, टू गेट एन आउटपुट ऑफ 1
फ्रॉम द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट मस्ट बी, ठीक है ना, हमें वन चाहिए, ये एंड गेट है, यानी यहाँ भी वन चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सी की वैल्यू वन होनी चाहिए, सी की वैल्यू वन, ये ए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिया है। उसके बाद फिर इन दोनों में से, क्योंकि ये और गेट है तो कोई एक वन होना चाहिए, दोनों वन हो गया तो भी आउटपुट वन आएगा, ठीक है ना, ये कम से कम एक तो इनपुट वन होना चाहिए। तो देखो बच्चों, थर्ड और फोर्थ में अब हम लोग चेक करेंगे, थर्ड में ए और बी दोनों ज़ीरो दिया है तो नहीं होगा, जबकि फोर्थ में ए वन और बी ज़ीरो दिया है, इसका आउटपुट यहाँ वन मिल जाएगा, ए भी वन, यहाँ फाइनल आउटपुट वन मिल जाएगा, यानी फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, देखा, फोटोन इज इंसिडेंट अपॉन अ हाइड्रोजन एटम इजेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वॉज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट नियरली विल बी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी एटलीस्ट आयनाइज करने के लिए, ठीक है ना, 3.4 वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तब आयनाइज होगा, और इतना एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल कितनी एनर्जी होगी, 14.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इतना तो होना चाहिए, ठीक है ना, इंसिडेंट फोटोन के लिए। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट विल बी 14.1, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, सिंपल था ना ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, देखो बच्चों, ट्वेल्थ में क्या लिखा है, स्फीयर एंड अ क्यूब ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम टोटल सरफेस एरिया आर प्लेस्ड इन सेम इवेक्यूएटेड स्पेस आफ्टर दे आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग इन स्पेसेस। क्या लिखा है, एक स्फीयर है, एक क्यूब है, ठीक है ना, दोनों के लिए सरफेस एरिया सेम दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया हम लोग मान लेते हैं ये क्यूब है साइड ए, तो 6a² ये स्फीयर, रेडियस r, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², दोनों इक्वल है, ठीक है ना बच्चों। चलो अब अगर हम लोग a और r के बीच रिलेशन फाइंड करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई r का स्क्वायर ये हो जाएगा 2π/3, हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट कर दो, पहले हमें क्या मिल गया, दोनों इसके साइड और इसकी रेडियस का रेशियो मिल गया बच्चों। क्या लिखा है, दोनों सेम मटेरियल का है, यानी सिग्मा दोनों के लिए सेम होगा, एरिया सेम था, सेम एनवायरनमेंट में है, तो दोनों पर जो हीट एनर्जी मिली होगी सेम, ठीक है। अब कूलिंग हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई तो 1 सिग्मा ए टी टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू एम 1, एस सेम मटेरियल है ना, डी थीटा बाई डी टी 1, फिर यहां पर रेट ऑफ कूलिंग सेकेंड के लिए ऐसा लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इतना एनर्जी इंसिडेंट हुआ उतना ही थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट है तो उतना ही वो लूज कर रहा होगा, तो इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब m1 और m2 का रेशियो हमें मिल जाएगा, हमें d थीटा 1 और d थीटा, मतलब d थीटा बाई dt 1 और d थीटा बाई dt 2 का रेशियो चाहिए, 1 में कौन है, स्फीयर या क्यूब, अ स्फीयर एंड अ क्यूब, ये है स्फीयर, m1 लिख देंगे क्यूब के लिए m2,
हो गया, सिंपल था। अब रेशियो फाइंड करना है, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग। तो इन सबको इक्वेट कर दें तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, डी थीटा बाय डी टी वन डिवाइडेड बाय डी थीटा बाय डी टी टू इक्वल्स टू एम टू बाय एम वन। डेंसिटी सेम है तो हम लोग वी टू बाय वी वन लिख देंगे बच्चों, और वी टू बाय वी वन में क्या आ जाएगा देखो तो वी टू इसके लिए ए क्यूब और फिर 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। वैल्यू को पुट कर देना यहाँ से a बाई आर का, और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 12 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 13। थर्टीन के लिए एक फिगर गिवन है बच्चों, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायोड D1, ये डायोड D2, 12 वोल्ट, 2 ओम, 8 ओम और 4 ओम, ऐसा एक फिगर गिवन है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज, डायोड्स आइडियल है, हमें करंट बताना है कि बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। ध्यान देना बच्चों, ये जो डायोड D1 है ये तो रिवर्स्ड बायस्ड है ना, उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट ऐसे जाएगा 2 और 4, टोटल 6 ओम का रेसिस्टेंस है और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। करंट यहाँ से जाएगा ऐसे और ये 2 एम्पियर होगा, सिंपल है ना। तो करेक्ट आंसर इसका सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, इसको मिटाते हैं। फोर्टीन में भी एक फिगर दिया है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है, पी ए वाला पॉइंट है, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, थीटा वन थीटा टू और फाई वन फाई टू है। यहाँ पर है थीटा वन, यहाँ है थीटा टू, ये फाई वन है और ये फाई टू, ऐसा फिगर गिवन है। ठीक है बच्चों, ये थीटा टेम्परेचर, यहाँ पर टी टाइम। क्या लिखा है आप देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी कूल्स इन अ सराउंडिंग विच इज एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ थीटा नॉट। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ये फाइनली ये थीटा नॉट पर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे है, थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है। Assuming that it obeys Newton's law of cooling, if temperature theta is plotted against time t, tangents are drawn to the curve at point P and Q. P और Q देखो दो अलग अलग पॉइंट हैं जिस पर
टेंजेंट ड्रॉ किया गया, स्पर्श रेखा। दीज टेंजेंट्स मीट्स द एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एट एंगल्स phi 1 एंड phi 2 एज शोन इन द फिगर, देन चूज करेक्ट ऑप्शंस। चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें सेलेक्ट करना है। देखो बच्चों, अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को ये फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये थीटा डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग टेन फाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टेन फाई टू और इस पॉइंट पर टेन फाई वन। अब डी थीटा बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल होता है, थीटा माइनस थीटा नॉट के। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं टेन फाई वन बाई टेन फाई टू इज इक्वल्स टू थीटा वन माइनस थीटा नॉट बाई थीटा टू माइनस थीटा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, थीटा टू माइनस थीटा नॉट इंटू टेन फाई वन इज इक्वल्स टू थीटा वन माइनस थीटा नॉट इंटू टेन फाई टू। देखो तो कोई आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फोर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है, यही लिखा है ना। थीटा वन माइनस थीटा नॉट इंटू टेन थीटा टू इज इक्वल्स टू थीटा टू माइनस थीटा नॉट इंटू टेन फाई वन, ठीक है। ये फाई वन, ये टेन फाई टू, तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, 15th क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज यूज टू प्रोवाइड डिजायर्ड डोज ऑफ रेडिएशन फॉर मेडिकल पर्पसेस, द टोटल टाइम फॉर विच द सैंपल कैन बी यूज विल डिपेंड। टोटल कितने टाइम तक सैंपल यूज कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि जिस सैंपल को यूज किया जा रहा है उसका एवरेज लाइफ या हाफ लाइफ क्या है, ठीक है बच्चों। इंटेंसिटी पर फर्क नहीं पड़ता। इसमें लिखा है ओनली ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स रेडिएशन इज ड्रॉन, फिर दूसरा लिखा है ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ डोजेज ड्रॉन फ्रॉम इट। हम लोग मतलब इंटेंसिटी या नंबर ऑफ रेडिएशन उससे ड्रॉ करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेडियो एक्टिव सैंपल है उससे खुद ब खुद रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हम लोग इंटेंसिटी या इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही लिखा है, टोटल टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि सैंपल का हाफ लाइफ या एवरेज लाइफ क्या है। तो नीदर ए नॉर बी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना, नीदर वन नॉर टू ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं बच्चों। सिक्सटीन में लिखा है इन अ लॉजिक गेट सर्किट इफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट बी वन देन द इनपुट एक्स एंड वाई कैन बी। फिर से एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, लॉजिक गेट ड्रॉ करते हैं। ऐसा एक सर्किट गिवन है, यह पॉइंट है एक्स, यह पॉइंट है वाई, और यहां पर आउटपुट आर चाहिए हमें, ठीक है ना। अब क्या लिखा, आउटपुट वन होने के लिए लॉजिक गेट्स
द वैल्यू ऑफ आउटपुट वन। हम लोग या तो ये कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन ले लें, चारों ऑप्शन से सॉल्व करके फिर आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो पहले जो पहला ऑप्शन लिखा है 0 0, अगर आप 0 पुट करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, और यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से बारी बारी से चेक कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट इसका थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं जो सही है। चलो पहले फर्स्ट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है, तो यहाँ में 1 मिलेगा, यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, 1, यहाँ पे मिलेगा 0 और यहाँ पर मिलेगा 1, इस जगह 1 आ जाएगा, यहाँ 0 का आउटपुट 1 आ जाएगा, 1 1 यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन गलत है। इस तरीके से हम लोग बारी बारी से हर एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं और जो ऑप्शन में फाइनली हमें वहाँ 1 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। थर्ड आंसर इसका करेक्ट है, तो हम लोग पहले थर्ड आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। यहाँ 1 है, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, इस जगह 1 आ जाएगा, 0 0, 1 का 1, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 1 और 0, 1 और 0, ये 0 है ना, ये 0 था 1, सब कुछ सही लिखा है। हमें क्या चाहिए, आउटपुट 1 चाहिए, देन द इनपुट ऑफ एक्स वाई कैन बी, आउटपुट 1 है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में x के बदले 1 लिखा है, y के बदले 0, हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 लिखा है तो ये 1। ओहो, सर्किट गलत ड्रॉ किया ना बच्चों, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसा है, ठीक है। अब चेक कर लेंगे, अब बारी बारी से सारा चेक करना है, पहला दूसरा तीसरा, मैं तीसरा चेक करके बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे 0 है तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, 0, यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा, फिर 0 0 का यहाँ पर आउटपुट हमें 1 मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, सर्किट पहले इनकरेक्ट था, अब समझ गया ना बच्चों। तो इस तरीके से ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है, हम लोग हर एक इनपुट को पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल बना के। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 17 पे। सेवेंटींथ में चार ग्राफ दिए हुए हैं, हम लोग बारी बारी से हर एक ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी ऑफ लाइट के बीच, ये भी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का, चौथे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हमें क्या बताना है इसमें, रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रॉन्ग फॉर इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ लाइट की, ठीक है। तो पहले कुछ पर्टिकुलर एनर्जी तक, एनर्जी हम लोग बढ़ाते जाएं जब तक वर्क फंक्शन के बराबर नहीं हो जाता या वर्क फंक्शन से कम रहता है, तब तक तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ही नहीं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। उसके बाद जब यह वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी मिलना शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, यानी ये ग्राफ तो सही है, इस ग्राफ को आंसर नहीं करना, हमें रॉन्ग ग्राफ बताना है। तो ये ग्राफ सही है,
यहाँ आओ देखो, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फिर से वही है कि फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ पर तो लिखा है फ्रीक्वेंसी जीरो, ये ग्राफ गलत है ना, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर आप ऐसे लिख दो एच न्यू इज इक्वल्स टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इस तरीके का, ठीक है, जैसा वो वन है ना। तो यही ग्राफ गलत है, हमें तो बताना है कि गलत ग्राफ कौन सा है। गलत ग्राफ ये है। फिर देखो नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो एक बार फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग गए, इंटेंसिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये नहीं बढ़ेगा, तो ये कांस्टेंट होगा। ये ग्राफ भी सही है, सही ग्राफ है। और इस ग्राफ में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात है, फ्रीक्वेंसी को जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं करते तब तक इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते, उसके बाद जब एक बार इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे फिर फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहे उससे करंट पर या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका कौन लिखेंगे, जो रॉन्ग है एक्चुअली सेकंड वाला, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें एक फिगर दिया है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, थ्री कार्नोट हीट इंजन्स E1, E2 एंड E3 ऑपरेटिंग फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T4 विथ मिडल टेम्परेचर्स T2 एंड T3। इफ ऑल द थ्री इंजन्स हैव सेम एफिशिएंसीज देन कैलकुलेट T2 एंड T3। हर एक इंजन के लिए एफिशिएंसी सेम है। देखो बच्चों, हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। दूसरे की एफिशिएंसी क्या है, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T3 बाई T2। फिर इसके लिए एफिशिएंसी क्या लिख देंगे, 1 माइनस T4 बाई T3। क्वेश्चन में लिखा है सब की एफिशिएंसी सेम है, तो जब आप इक्वेट करोगे 1 कट जाएगा, हमारे पास रिलेशन आएगा T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू T3 बाई T2 इक्वल्स टू T4 बाई T3। अब इससे एक रिलेशन क्या आ जाएगा, T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 T3। दूसरा रिलेशन आ जाएगा T3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2 T4। अब हमें इससे दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल है T2 और T3, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। सॉल्व कर लेना है 18th का, और सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। कैलकुलेशन है इसके आगे, तो ये 18 हो गया। अब हम लोग 19 पे आ जाए, 19 के लिए भी एक फिगर दिया है, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे।
ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर गिवन सर्किट फाइंड आउट करेंट थ्रू जेनर डायोड। हमें जेनर डायोड के थ्रू करेंट बताना है, ठीक है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चेक करते हैं। अगर यहाँ पे 50 वोल्ट है तो यहाँ भी 50 वोल्ट ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 वोल्ट, 70 और 50 120 होता है ना। तो इस तरफ जो करंट आएगा ये करंट हो जाएगा 70/5, 14 मिली एम्पियर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 मिली एम्पियर है ना, 50/10 यानी 5 मिली एम्पियर, 14 - 5 यहाँ से कितना करंट जाएगा 9 मिली एम्पियर, हमें यही तो बताना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20, इसको मिटाते हैं बच्चों फिर 20 में आते हैं। ट्वेंटी में देखो क्या लिखा है, अ लाइट ऑफ इंटेंसिटी 16 मिली वॉट पर मीटर स्क्वेयर एंड एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट। एनर्जी को हम लोग एच न्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एरिया 10^-4 मीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। देन फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इफ फोटोन एफिशिएंसी इज 10%। 10% फोटोन एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हर 10 में से एक, अगर 10 फोटोन इंसिडेंट हुआ तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, समझ गए ना। 10% 100 फोटोन से इमिट होंगे, इंसिडेंट होंगे, तो सिर्फ 10 फोटो इलेक्ट्रॉन ही इमिट होगा। चलो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए इसमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एच न्यू माइनस फाइव लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया। उसके बाद क्या फाइंड करना है, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे पर सेकेंड। देखो एनर्जी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, हमें पावर मिल जाएगा 16 × 10⁻⁴, ये मिली वॉट है, 10⁻³ कर दो तो ये एक सेकेंड में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई ये मिल जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए फोटो, नंबर ऑफ फोटोन्स पहले। तो एक फोटोन के लिए एनर्जी कितनी है, 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 16 होगा, कट जाएगा, एन मिल जाएगा 19, ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 7, 19 - 7 यानी कि 10^12 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका, 10% है ना, यानी कि 10^11। तो 5 और 10^11 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है बच्चों, तो 20 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये था सेक्शन ए। अब इंटीजर टाइप जो पार्ट है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। इंटीजर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों फर्स्ट में क्या लिखा है,
फॉर अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड डिग्री पी स्केल विच इज लीनियर एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन न्यू स्केल इज 200. द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर 25 डिग्री पी एंड 225 डिग्री पी रेस्पेक्टिवली. इज द टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 25 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज 25 इंटू टी डिग्री पी देन फाइंड टी. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सी माइनस जीरो बाई 100 माइनस जीरो इक्वल्स टू पी माइनस लोअर लिमिट 25 है ना, अपर लिमिट 225. बस ऐसा लिख दिया, ठीक है, जो फार्मूला होता है स्केल के लिए, अपर लिमिट 225 लोअर लिमिट 25, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सी की वैल्यू 25 गिवन है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 100, पी माइनस 25 यहाँ पर 200, तो ये टू टाइम्स में कट जाएगा, 25 यानी 50 और पी की वैल्यू हो जाएगी 75. इसको 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, आरएमएस स्पीड ऑफ अ मोनोएटमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाय 2 times. आरएमएस स्पीड को 2 times कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर √2 times हो गया, ठीक है ना, टेम्परेचर 4 times हो जाएगा, सॉरी. वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी. वी आर एम एस को डबल किया, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 4T, ठीक है. इफ द प्रोसेस इज डन एडियाबेटिकली देन रेशियो ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम मोनो एटोमिक गैस गामा की वैल्यू क्या होती है, 5/3, ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, अगर इसको एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमें फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो यानी V/V' फाइंड करना है. देखो बच्चों, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1 टी डैश इंटू वी डैश टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है ना. टी डैश के बदले 4T कर देते हैं. ये टी से टी कट गया, गामा माइनस 1 का मतलब 2/3 ना. अब हमें v और v' का रेशियो चाहिए, क्या लिख सकते हैं, v/v' 2/3 ये 4, 4 को हम लोग 2^2 लिख देते हैं, तो स्क्वायर रूट कर देना फिर क्यूब, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा क्या, देखो तो 8, आंसर क्या हो जाएगा 8, समझो ना, ये पावर में है, ऐसा है, तो आंसर 2^3 यानी 8 हो जाएगा, सेकंड का आंसर 8. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, ठीक है ना. थर्ड क्वेश्चन, देखो बच्चों, थर्ड में क्या लिखा है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इज एन. हीलियम आयन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है ना, एक्चुअली 10.2 होता है दोनों का डिफरेंस हाइड्रोजन के लिए, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, तो 10^2 एक्साइटेशन एनर्जी होगा इंटू 2 का स्क्वायर कर दिया, ये हीलियम के लिए मिल गया फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये एन है.
फिर उसके बाद लिखा है एम, क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, लिथियम के लिए क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर आयनाइजेशन पोटेंशियल। एम बाई एन हमें फाइंड करना है, एम बाई एन 13.6 इंटू 9 10.2 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 3.4। अब इससे 3 टाइम्स में कट गया, फिर ये 3, ओवरऑल आंसर 3 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 3। फोर्थ में आते हैं, सिंपल है ना क्वेश्चन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 927 डिग्री सेल्सियस इज लेमडा, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज एन लेमडा। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, रूट टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला तो लेमडा है, दूसरा लेमडा टू है ना, एन लेमडा बाई लेमडा, तो टेम्परेचर क्या हो गया, एन लेमडा के लिए हम लोग 27 लिखेंगे और यहां पर कितना है 927। बस देखो, तो ये लेमडा से लेमडा कट गया, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 9 और 3 और 4, 4 हो जाएगा ना, 927 है, 9 और 273, 9 और 3 12 और यहाँ पर 300, ये ज़ीरो कट गया, 4 स्क्वायर रूट 2, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीजर टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन, क्या लिखा है, फिजन रिएक्शन है, देखो यूरेनियम 92 236, यहाँ से क्या बन रहा है, एक तो एक्स बन रहा है, दूसरा वाई, दोनों के लिए मास 117 दिया है, यहाँ न्यूट्रॉन यहाँ न्यूट्रॉन। अब देखो क्या लिखा है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ एक्स एंड वाई इज 8.5 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर एज दैट ऑफ यूरेनियम इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए कितना दिया हुआ, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इन दोनों के लिए कितना दिया हुआ है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी लिबरेटेड, अगर P इंटू 100 के आसपास है तो P की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 117 प्लस 117 कितना हो जाएगा 234 इंटू 8.5 माइनस 236 इंटू 7.6, ये हो जाएगा एनर्जी, ये 195 के आसपास आता है, तो इसको हम लोग 200 लिख सकते हैं ना, लगभग लगभग 2 × 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली इक्वल्स टू, अगर इंटीग्रल वैल्यू ही चाहिए, 100 पी है लिखा हुआ, ठीक है ना, 100 पी, पी इज एन इंटीजर, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो भी पेपर था बहुत ईजी लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, थैंक यू।